तेरी जिम अब नहीं बची, तो अगर इस ज्वालामुखी पर मैच खेले तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? यहीं पर मैं मैगमार से भी पहली बार मिला था। ठीक है, मुझे चलेगा। इस बार एक ही पोकेमॉन का मुकाबला होगा और मेरा पोकेमॉन मैगमार ही होगा। और जो पोकेमॉन मैं चुनूंगा वो है चारिज़ार्ड। उसकी आंखों में देखो, ऐसा लगता है जैसे वो लड़ना चाहता है। ये क्या हो गया? चारिज़ार्ड को सोने के अलावा और कुछ नहीं आता। जब चारिज़ार्ड ने देखा कि मैगमार कितना ताकतवर है तो वो उससे लड़ने के लिए राजी हो गया। ये एक ऐतिहासिक पोकेमॉन मैच होने वाला है। अगर मैं चारिज़ार्ड को भेजूं तो चलेगा ना पिकाचू? चारिज़ार्ड, मैं तुम्हें चुनता हूँ। ये चारिज़ार्ड कहाँ चला गया? पता नहीं ये चारिज़ार्ड मेरी बात कब सुनने लगेगा। मैगमार के फ्लेम थ्रोवर से बच के रहना। मैं आग का जवाब आग से दूंगा। चारिज़ार्ड, फ्लेम थ्रोवर से अटैक करो। कोई नहीं जीता। सुनो मैगमार, चारिज़ार्ड ताकतवर है पर तुम्हारी बात ही कुछ और है। उस पर फायर ब्लास्ट से अटैक करो। तुम कर सकते हो, हार मत मानना चारिज़ार्ड। मैगमार कल बैठ अटैक। नहीं चारिज़ार्ड, पीछे देखो, वहां से उड़ जाओ अभी। अगर मैगमार तुम्हें उस लावा में ले गया तो तुम नहीं जीत पाओगे। चारिज़ार्ड, ये नियम के खिलाफ है। मैगमार चारिज़ार्ड को उस लावा में नहीं गिरा सकता। मैगमार ने चीटिंग नहीं की। तुम्हीं ने कहा था कि नहीं, ज्वालामुखी के अंदर लड़ना भी मैदान में लड़ने के बराबर है। चारिज़ार्ड, ऐश देखो, ज्वालामुखी में। चारिज़ार्ड, चलो मैगमार को तुम्हारा एरियल सबमिशन अटैक दिखाते हैं। क्यों ब्लेन, ये चलेगा क्यों? अगर वो वोल्केनो के अंदर लड़ सकते हैं तो बाहर भी लड़ सकते हैं। चारिज़ार्ड सेस्मिक टॉस। बहुत मुबारक हो, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। अब
अब मेरे पास तुम्हारे लिए आखिरी पहेली है ऐश। हाँ? वो क्या है जिसे पढ़ा तो जा सकता है लेकिन जिसके शब्द नहीं है? सही जवाब ज्वालामुखी बैच। और ये तुमने जीता है ऐश। बहुत बहुत शुक्रिया ब्लेन।